अब इलेक्शन से पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे वादे करती है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उन प्रोमिसज को देख के आम आदमी उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी कर देती है। 5 साल तक वो अपना टर्म कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दोबारा एक मैनिफेस्टो पब्लिश करती है और फिर दोबारा आम आदमी उन्हें वोट करने जाता है। लेकिन वोट करने से पहले वो चेक नहीं करते कि जो पुराना मैनिफेस्टो उन्होंने पब्लिश किया था उसके प्रॉमिसेस क्या उस पॉलिटिकल पार्टी ने फुलफिल किए या नहीं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कैंडिडेट को वोट करने से पहले, कि हम चेक करें कि उन्होंने 5 साल तक जो प्रॉमिसेस किए थे उसे फुलफिल किया या नहीं किया। 2022 में इलेक्शंस आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत है कि यहाँ पे विकास की राजनीति नहीं बल्कि कास्ट की, धर्म की और जात की राजनीति चलती है। आज के इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ जी ने जो चीफ मिनिस्टर टर्म के लिए जो मैनिफेस्टो पब्लिश किया था 2017 में, उसमें लुक इनटू करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने प्रॉमिसेस को फुलफिल किया या नहीं किया। वेलकम टू यू ऑल इन टुडेज एपिसोड टाइटल 5 ईयर्स ऑफ योगी आदित्यनाथ इन यूपी। इस वीडियो के अंदर मैंने मैनिफेस्टो के की पॉइंट्स को रखा है, मतलब जो मेन चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को फर्क पड़ता है, और उन प्रॉमिसेस को मैंने 3 क्राइटेरिया में बांटा है, फुलफिल, नॉट फुलफिल और पार्शली फुलफिल, मतलब वो चीजें जिन पे काम अभी भी चालू है। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रॉमिसेस से। प्रॉमिस नंबर 1 कि हर घर के अंदर LPG होगी और हर शहर के अंदर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर होल्ड करता है इस पूरी कंट्री के अंदर, और गवर्नमेंट भी ये टारगेट कर रही है कि वो 20 लाख हाउसहोल्ड्स को LPG कनेक्शन देंगी उज्ज्वला 2.0 स्कीम्स के अंदर। 70% से ज़्यादा फैमिली यूपी के अंदर LPG को यूज़ करती है कुकिंग के लिए, और 85% ऑफ फैमिलीज के पास LPG कनेक्शन है आज की डेट में यूपी के अंदर, जो कि हमें पता लगा था एक इंडिपेंडेंट स्टडी में जो कि की थी काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने। साथ ही साथ अर्ज गंगा योजना के अंदर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि वो 20 लाख फैमिलीज को फ्री PNG कनेक्शन देंगी पूर्वांचल के रीजन में। इन सब बातों को अगर मद्देनजर रखे तो कह सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने इस प्रॉमिस को फुलफिल किया है। प्रॉमिस नंबर 2, हर जिले के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि अलग अलग माफियाज को टैकल करेगी। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक माफिया फ्री स्टेट बनाया जाएगा। स्टेट वर्सेस लैंड माफिया की लड़ाई में 484 लोगों को अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया है पिछले 4 सालों में, और एक सीनियर होम डिपार्टमेंट ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है कि 62,000 हेक्टेयर की लैंड को इन लैंड माफिया से छुड़वाया गया है। एक 4-टायर एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाई गई थी यूपी गवर्नमेंट द्वारा, जिनका काम था कि कैंपेन चलाना कि कैसे इन लैंड माफिया को पहचाना जाए और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। यूपी पुलिस ने 5500 से भी ज्यादा FIR लॉन्च करी है गैंगस्टर एक्ट के अंदर, और 25 माफिया को आइडेंटिफाई किया है जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक। साथ ही साथ यूपी के अंदर रेप, मर्डर और चोरी के सबसे कम आंकड़े सामने आए हैं 2020 में, जो कि 2013 के बाद सबसे लोएस्ट है, और हम कह सकते हैं कि ये वाला प्रॉमिस भी फुलफिल है। प्रॉमिस नंबर 3 कि हर सिटीजन के खिलाफ FIR लॉन्च करी जाएगी, इस बात को नहीं देखा जाएगा कि वो किस कास्ट का या किस जाति का है। इस बात को जानने के लिए हम लेटेस्ट एग्जांपल लेंगे हाथरस कांड का। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कई अपर कास्ट मैन ने एक दलित वुमेन का मर्डर और रेप किया था। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन भी बहुत स्लो थी, बल्कि टॉप सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स ने कह दिया था कि ये रेप नहीं हुआ, इसे रेप सेलिंग मत करो। कई ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को वहाँ पे घुसने नहीं दिया गया था। एक्यूज के घर और गाँव को पुलिस ने पूरी तरह कवर कर दिया था, ना ही उन फैमिली मेंबर्स को अलाउड था कि वो किसी बाहर वाले से मिल सके। ये पहली बार हुआ था इस पूरे देश के इतिहास में कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसी रेप विक्टिम की लाश को रातों रात जला दिया, और कुछ लोग एक्यूज करते हैं कि इसलिए किया गया ताकि कोई भी सबूत ना मिल पाए। और कई मीडिया रिपोर्टर्स ने ये दलील रखने की भी कोशिश करी कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये रेप का इंसिडेंट ही नहीं है। तो जाहिर है कि जातिवाद के मामले में और कॉम्युनल हेट्रेड के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं इस प्रोमिसेस को नॉट फुलफिल में रखूंगा। प्रॉमिस नंबर 4 कि हर गांव को कनेक्ट किया जाएगा मिनी बस सर्विसेज से। 2017 में यूपी के अंदर 38,200 गांव ऐसे थे जो कि बस सर्विसेज से कनेक्टेड नहीं थे। यूपी की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड कॉरपोरेशन है उसने 33 महीनों में 25,000 से भी ज्यादा विलेजेस को बस सर्विसेज से कनेक्ट किया है, और यूपी की स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को नेशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड मिला है जनवरी 2020 में। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रॉमिस भी फुलफिल है। प्रॉमिस नंबर 5 कि विडो औरतों को 1,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी और कोई भी एज बाय नहीं रहेगी। 2017 से पहले 300 रुपए पेंशन दी जाती थी विडो औरतों को, जो कि बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने 500 रुपए तक बढ़ा दी थी, और अभी लेटेस्टली दिसंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए 1,000 रुपए की पेंशन देने की शुरुआत करी है 30 लाख से भी ज्यादा विडो वुमेन को। लेकिन अभी भी
एज बार है इन वुमेन्स में 18 से लेके 60 साल तक की उम्र में। तो कह सकते हैं कि ये जो प्रॉमिस है ये बहुत ही लेट फुलफिल किया है अभी दिसंबर 2021 में, और अभी भी एज बार रखी गई है। तो इस प्रॉमिस को मैं पार्शियली फुलफिल के कैटेगरी में डालूंगा। प्रॉमिस नंबर 6 कि क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ओनली मेरिट के बेसिस पर हायर कर लिया जाएगा, उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा करप्शन को रोकने के लिए। जी हाँ, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पावर में आए थे तो उन्होंने इस इंटरव्यू से रिक्रूटमेंट करने के प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया क्लास टू क्लास थ्री और क्लास फोर्थ की जॉब्स के लिए UPPSSC में। तो कह सकते हैं कि ये प्रॉमिस भी फुलफिल्ड है। प्रॉमिस नंबर 7 कि गरीब परिवार में जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो उस फैमिली को 5,000 रुपये की मदद दी जाएगी। 5 लाख से भी ज़्यादा लड़कियों को बेनिफिट मिला है यूपी के अंदर कन्या सुमंगल स्कीम से। इस स्कीम के अंदर 15,000 रुपये दिए जाएंगे उन गरीब परिवारों को जहाँ पे कोई लड़की पैदा होती है और वो गरीब परिवार उसकी हेल्थ केयर, उसकी एजुकेशन और बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट डिप्यूटी डायरेक्टर आशुतोष सिंह ने कहा है कि लड़की के पैदा होने पे 2,000 और उसके वैक्सीनेशन के वक्त 1,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी लड़की की फैमिली को। जब लड़की फर्स्ट क्लास पास करेगी तो उसको तब भी 2,000 की मदद मिलेगी, जब वो क्लास 6 पास करेगी तब भी उसे 2,000 की मदद मिलेगी, और 9 क्लास पार करने पे 3,000 और 12th पास करने पे उसे 5,000 रुपये की मदद मिलेगी। हम कह सकते हैं कि 5,000 नहीं बल्कि 15,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी लड़की को और कह सकते हैं कि उसकी फैमिली को। तो ये प्रॉमिस भी फुलफिल है। 8वां प्रॉमिस कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आएगी हर गांव, हर जिले, हर घर के अंदर उत्तर प्रदेश में। सौभाग्य डैशबोर्ड ये मेंशन करता है कि यूपी का हर जिला 100% इलेक्ट्रिफाई हो चुका है, लेकिन ईटा जिला का एक गांव निगला तुलाई के लोग कहते हैं कि वहां पे एक एक महीने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। अमरनाथ सिंह जो उसी गाँव में रहते हैं वो अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि यहाँ पे कई कई हफ्तों तक लाइट नहीं आती है जहाँ पे 450 लोग रहते हैं। अगर बात करें हम एक टाउन के अंदर कितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती और उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो कोपागंज टाउन के अंदर 403 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही। इसके बाद मनोज भंजन के अंदर 110 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही और मुबारकपुर में 91 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉमिस भी बहुत बुरी तरीके से नॉट फुलफिल्ड है। प्रॉमिस नंबर 9 कि किसानों के कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने अप्रैल 4 को लोन वेवर स्कीम को अनाउंस किया जो कि 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाएगा। 36,000 करोड़ का लोन वेवर अनाउंस किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा। यह आज तक का सबसे बड़ा लोन वेवर स्कीम है जो कि किसी भी स्टेट ने आज तक अनाउंस की हो। इनफैक्ट यूपीए 1 ने 2008 में जो लोन वेवर स्कीम अनाउंस की थी पूरे देश के लिए उसका हाफ अमाउंट की ये लोन वेवर स्कीम है। प्रॉमिस नंबर 10 कि हर बच्चे को जो 50% से ज़्यादा स्कोर करेगा उसे स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन मिलेगी ग्रेजुएशन तक। गांधी जयंती 2021 के मौके पे सीएम योगी ने 1.5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करी थी और हर लड़की को फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन तक की अनाउंसमेंट करी थी। चीफ मिनिस्टर ने 400 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांसफर करे 12 लाख स्टूडेंट्स के डायरेक्ट अकाउंट्स में। 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने SC ST स्कॉलरशिप रूल्स में थोड़े चेंजेस किए और 60% मैंडेटरी कर दिया स्कॉलरशिप के लिए। एज पर द न्यू नॉर्म्स जो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज लानी पड़ेगी स्कॉलरशिप के लिए, जो कि पहले ऐसी कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं थी। ऑल्दो अगर वो पास भी नहीं होते हैं तब भी उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी। हालांकि पहले ये स्कीम सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस के लिए प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स की माने तो ये अब सबके लिए ओपन हो जाएगी। तो ये जो प्रॉमिस है इसको मैं पार्शियली फुलफिल की क्राइटेरिया में रखना चाहूँगा। अभी तक हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने कई प्रॉमिसेस को फुलफिल किया जो कि बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन वोट करने से पहले हमें कई और सेक्शंस हैं जिनको देखना ज़रूरी है। जैसे पहला एम्प्लॉयबिलिटी रोजगार। 2017 में अपने मैनिफेस्टो के अंदर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रॉमिस किया था कि वो 70 लाख जॉब्स देंगे यूपी के अंदर, लेकिन तभी से ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा बताता है कि 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.95% जो कि 2019 में डबल होके 9.99% हो गया। उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% से जम करके 21% हो गया था मार्च 2020 में। एक सर्वे जो कंडक्ट किया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से वो बताता है कि 2017 में 2.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो कि आज 2021 में 21.1% हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। दूसरा पॉइंट लिटरेसी। उत्तर प्रदेश के अंदर 73% का लिटरेसी रेट है जो कि कम है नेशनल एवरेज से जो कि है 77.7%। एक रिपोर्ट के हिसाब से
उत्तर प्रदेश के अंदर 81% मेन लिटरेट है और 63% वुमेन लिटरेट है। लोएस्ट लिटरेसी रेट के मामले में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आता है। तो लिटरेसी के मामले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पिछले 5 साल में जो काम किया उसके हिसाब से फेल है। तीसरा पॉइंट, पॉवर्टी। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। सरस्वती, बहराइच और बलरामपुर में 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन पुअर है। ओवरऑल पॉवर्टी रेशो की बात करें तो 2011 में 29% थी पॉवर्टी रेशो, जो कि बढ़ के 2016 के अंदर 32% हो गए और आज के 2021 में ये 37% चल रही है, जिसमें हमें एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीज दिख रहा है। तो पॉवर्टी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई। लास्ट पॉइंट, हेल्थ केयर। हेल्थ पैरामीटर में यूपी की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। 2019 के SRS बुलेटिन के हिसाब से उत्तर प्रदेश इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में टॉप 2 में आता है। नीति आयोग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर यूपी की 1 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 13 बेड है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को उनके इस पुअर हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज किया है और COVID-19 के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुई थी उसका जवाब देने को कहा है। अपनी पुअर परफॉर्मेंस को और कोविड के दौरान मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए फॉल्स प्रमोशन भी चलाया जा रहा है, जो कि कोविड के दौरान हुई मौतों का मजाक उड़ाने जैसा है। इस वीडियो के अंदर हमने 10 प्रोमिसेस की बात करी जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस थे, जो कि आपको वोट करने से पहले जज करने चाहिए। इनमें से 6 फुलफिल थे, 2 पार्शली फुलफिल थे और 2 नॉन फुलफिल थे। इसके अलग जो हमने और क्राइटेरियाज की बात करी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें ज़्यादातर में या फिर मैं कहूँ सब में यूपी गवर्नमेंट फेल हो गई है। और यूपी के लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर वो इस वीडियो में बताए गए क्राइटेरियाज पर जज करके अपने कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करने जाएंगे तो इस बार कोई चेंज आ सकता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो कि आई होगी, तो लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझसे सवाल पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और किसी भी मैटर पर मेरा फर्स्ट ओपिनियन जानने के लिए ट्विटर पर चेकआउट कर सकते हो। और टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप यू विल हैव अ वेरी गुड डे।